हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ वाकर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने एक नया अपडेट आज के डेट में आपको दिया है, और ये नया अपडेट आपका यह है 30 तारीख, यानी देखिए क्या है कि 30 के डेट में जो होता अपडेट दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट कि जो बच्चे जो होता जिन बच्चों का रिजल्ट में कंपार्टमेंट लगा हुआ है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये कंपार्टमेंट लगा हुआ या फिर जिन बच्चों के रिजल्ट में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, और या फिर जो होता है जो बच्चे अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है वह अपने नंबर को इम्प्रूव करना चाहते हैं दोबारा एग्ज़ाम दे करके स्टूडेंट, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा। तो स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट क्या है कि सीबीएसई ने कुछ सर्कुलर जारी किया है जिसमें क्या है कि देखिए मैं आपको जो जो मेन पॉइंट है उसे डिनोट कर दे रहा हूँ। जब से जैसे कि क्या है, सबसे पहला मेन पॉइंट है स्टूडेंट कि सीबीएसई ने जारी करके आपको बता दिया है कि 15 जुलाई को वह कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कराएगा, ठीक है, यानी कि 15 जुलाई को स्टूडेंट जो होता है कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा। और ये जो बच्चे क्लास 10th के होंगे या फिर जो बच्चे क्लास 12th के हैं जो कंपार्टमेंट का या फिर नंबर इम्प्रूवमेंट का या फिर रिपीट थ्योरी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इन सब का एग्ज़ाम जो होता है स्टूडेंट 15 जुलाई को है, ठीक है, ये पहले ही उन्होंने जो होता है कि अपना डेट घोषित कर दिया था। अब स्टूडेंट इसमें हुआ क्या है कि जैसे जो कंपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, इस कंपार्टमेंट में देखिए क्या है, कैसे आपको जो होता है कि इसको फिलअप करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको कुछ डेट बता रहा हूँ। देखिए जो इम्पॉर्टेंट डेट है यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि जो एग्ज़ाम कराएगा, जैसे देखिए क्या स्टूडेंट स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 15 जुलाई 2024 मंडे को जो होता है कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा क्लास 10th के बच्चों का। फॉर डिटेल प्लीज़ चेक डेट शीट व्हेन द इशू बाय द सीबीएसई, जब आएगा क्या चीज़ डेट शीट रिलीज करेगा कंपार्टमेंट का, उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरी बात यह है क्लास 12th के बच्चों का जो कि 15 जुलाई यानी कि मंडे को जो होता है ओनली वन डे लिखा स्टूडेंट, मतलब ये हुआ कि देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दे रहा हूँ कि जो बच्चे क्लास 10th के होते हैं यह बच्चे कम से कम 2 सब्जेक्ट का अपना कंपार्टमेंट दे सकते हैं, ठीक है, कम से कम 2 सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन जो बच्चे क्लास 12th के होते हैं स्टूडेंट यह एक बार में एक ही सब्जेक्ट का अपना कंपार्टमेंट देंगे या फिर इम्प्रूवमेंट अपना डाल सकते हैं या फिर रिपीट थ्योरी की बात कर सकते हैं, ठीक है, ओनली वन सब्जेक्ट की बात करेंगे। इसीलिए क्या होता है जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं स्टूडेंट सभी बच्चों का जो होता है कि इनका एग्ज़ाम एक ही डेट पर यानी कि ओनली वन डे, ठीक है, एक ही दिन जो होता है स्टूडेंट करा दिया जाता है, ठीक है, ये तो होता है फीचर। अब देखिए क्या है 10th के बच्चों के लिए बेनिफिशियल ये होता है कि जो बच्चे क्लास 10th में होते हैं और उनका कंपार्टमेंट लग जाता है तो कम से कम 2 सब्जेक्ट में वो अपना इंक्लूड कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट अपना दे सकते हैं, ठीक। अब जो होता है कि ये तो बात होगी आपका, अब नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे देखिए क्या है, इसको मैं पहले इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब जो होता है कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए स्टूडेंट क्या है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे मेन पॉइंट क्या, देखिए मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये होगा स्टूडेंट कि देखिए अगर आपको अपना कंपार्टमेंट का फॉर्म डालना है तो सबसे पहले जो होता है कि जो भी आपका स्कूल होगा जहाँ से आपने क्लास 12th में या फिर क्लास 10th में जो होता है स्टूडेंट आप एग्ज़ाम दिए हैं जहाँ से आप पढ़े हैं, सबसे पहले अपने सीबीएसई स्कूल से आपको क्या करना होगा कि आप कंसल्ट करिएगा, ठीक है। जब आप अपने स्कूल पे कंसल्ट करेंगे तो वहाँ से जो होता है बहुत सी चीज़ का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि कंपार्टमेंट का फॉर्म आप अपने स्कूल के द्वारा ही फिलअप करवाइएगा, ठीक है, क्योंकि कई प्रकार का जो होता है इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी मांगे जाते हैं या फिर सारे डिटेल अगर आपके पास हैं तो आप भी फिलअप कर सकते हैं, या फिर जो होता है कि आप अपने स्कूल से ही इसको फिलअप करा लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात यह स्टूडेंट देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर आपको पर सब्जेक्ट की बात करें, फीस कम चार्ज की बात करते पर सब्जेक्ट, यानी जो होता है स्टूडेंट एक सब्जेक्ट का अगर आप जो है कि कंपार्टमेंट देते हैं विदाउट लेट फीस का है, ठीक है, तो आपको 300 रुपये पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा।
अगर आप इंडिया के हैं तो, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडियन है यानी कि जैसे नेपाल हो गया फिर अदर कंट्रीज अगर आप हैं तो आपको 1000 देना पड़ेगा। अगर जो होता है कि स्कूल आउटसाइड इंडिया है स्टूडेंट आपका तो वहाँ पे आपको 2000 जो होता है स्टूडेंट आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे डेट का। जैसे यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है आपका एलओसी से रिलेटेड भी है आपका 31/5/24 से लेकर के स्टूडेंट आपका 15/6/24 तक है। स्टूडेंट देखिए क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा जो होता है किसी डेट का वेट नहीं करना है कि लास्ट डेट जब रहेगा तब आप फिलअप करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपने स्कूल से तत्काल संपर्क बनाइए और जो है स्टूडेंट की 15 जून से पहले आप अपने फॉर्म को फिलअप करवा लीजिएगा। ठीक है, 15 जून से पहले आप अपने फॉर्म को फिलअप करवा लीजिए, सबमिट करवा लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि उसके बाद देखिए क्या होगा कि जैसे ही आपका जो होता है कि 15 तक सबमिट कर लेते हैं उसके बाद आपको पता है कि 16 जुलाई को जो होता है कि उन्होंने अपना एक डेट दे दिया है एग्ज़ाम कराने का। ठीक, उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट यहाँ पे, उसके बाद देखिएगा आप कि अगर आप जो होता है कि फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं तो आपके पास एक सुविधा और एक ऑप्शन और भी है कि आप जो है कि लास्ट डेट भी तो जो लेट फीस के साथ भी जो होता है आप सबमिट कर सकते हैं, जिसमें आपका 2000 रुपये जो होता है एडिशनल चार्ज आपसे लिया जाएगा और ये जो होगा आपका 16 से लेकर के 17 यानी कि जो होता है कि मंडे तक आपसे लिया जा रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया स्टूडेंट जो होता है कि आपका प्रोफार्मा फॉर्म भरने का। अब देखिए क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे जो होता है कि आपसे सब्जेक्ट कोड पूछा जाता है कि आप कौन से जो होता है सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे आपका सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट कोड ले सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट देना होगा, रिपीट थ्योरी देना होगा या फिर इम्प्रूवमेंट देना होगा, उस सब्जेक्ट कोड को आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात है स्टूडेंट ये कि अब देखिए क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। क्लास 10 के बच्चों का सब्जेक्ट कोड होगा, ठीक, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट कि 15 जुलाई आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 15 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है और 15 जुलाई को एग्ज़ाम है स्टूडेंट। सबसे पहले कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था स्टूडेंट, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उस बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पेपर को जो होता है कि अच्छे से पूरी तरह से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपको जो होता है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होता है जब आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आपका रिपीट कर दिया जाता है। दूसरी बात है स्टूडेंट कि कंपार्टमेंट का आप देखेंगे तो कंपार्टमेंट का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है, आपको गूगल पे मिल जाएगा या फिर आप मुझसे कहिएगा मैं आपको दे दूँगा। कंपार्टमेंट का जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है स्टूडेंट, आप इसको जो होता है सॉल्व कर लीजिए या फिर कम से कम जो होता है 3 से लेकर के 5 साल का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन सब इसी में से आपको मिल जाएंगे और आपका कंपार्टमेंट हटने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे स्टूडेंट। दूसरी बात है स्टूडेंट ये कि ये कंपार्टमेंट जो सिस्टम होता है आपको 3 अटेम्प्ट मिलेगा टोटल, 3 बार आपको चांस दिया जाता है। एक बार आपको जुलाई में मिल रहा है, दूसरी बार आपको फिर जब नेक्स्ट ईयर जो होता है बच्चे एग्जाम देंगे बोर्ड का उसमें आपको मिलेगा, फिर उसके बाद एक कंपार्टमेंट आपको उससे मिलेगा, यानी कि फाइनली 3 अटेम्प्ट आपको मिलता है जिसमें आपको कंपार्टमेंट अपना क्लियर करना होता है। जिन बच्चों का RT लगा हुआ है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये चांसेज है, क्योंकि रिपीट थ्योरी में होता है क्या स्टूडेंट कि अगर आपके मेन सब्जेक्ट में रिपीट थ्योरी लगा हुआ है तो आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेने में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से भी जो होता है कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और जैसे ही आपका 15 जुलाई में एग्ज़ाम होगा, जुलाई लास्ट या फिर जो होता है अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट भी आ जाता है, जुलाई के लास्ट तक ही आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये रहा आपका जो होता है ओवरऑल कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट से जो होता है रिलेटेड। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा स्टूडेंट। ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू सो मच।